Recording in progress. Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हम रुफे मुशबा बिल फेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि ये छह हरूफ हैं, इन्ना अन्ना कान्ना लई तला किन्ना लाला। Recording in progress. जी, ये हरूफ मुशबा बिल फेल हमने पढ़े थे और इनका अमल भी पढ़ा था। ये मुब्तदा को अपना इसम बना लेते हैं और खबर को अपनी खबर बना लेते हैं। आगे पेज नंबर 46 है, वहां पे मिसाल भी दी हुई है। इन तालिब मुज्तहिदुन, बेशक तालिबे इल्म मेहनती है। एक मिनट, Recording in progress. तालिब मुज्तहिदुन इस मिसाल में आप देखें तो अत्तालिब मुज्तहिदुन था असल में मुब्तदा और खबर। अत्तालिब मुब्तदा और मुज्तहिदुन खबर। अत्तालिब भी मरफू था और मुज्तहिदुन भी मरफू था। अत्तालिब मुब्तदा होने की वजह से और मुज्तहिदुन खबर होने की वजह से, लेकिन फिर इन्ना ने दाखिल इन्ना इसके ऊपर आया तो हो गया इन तालिबा मुज्तहिदुन। अब तालिब जो है वो इन्ना का इसम बन गया और मुज्तहिदुन जो है वो इन्ना की खबर बन गई। तो इन्ना ने मुब्तदा को नसब दिया और खबर को रफा दिया, लेकिन फर्क ये है कि खबर पहले भी मरफू थी, अब भी मरफू है, लेकिन पहले खबर मरफू थी क्योंकि वो मुब्तदा की क्या थी, खबर थी, और खबर अब मरफू है क्योंकि वो रुफे मुशबा बिल फेल की या इन्ना की क्या है, खबर है। वजाहत, तालिबा इन्ना का इसम है इसलिए मंसूब है और मुज्तहिदुन इन्ना की खबर है इसलिए मरफू है। अच्छा, ये रुफे मुशबा बिल फेल जो है ये दो काम करते हैं। जब ये किसी भी मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं तो ये दो अमल होते हैं। कितने अमल होते हैं? दोनों अमल लिखे। एक अमल को कहते हैं लफ्जी अमल, क्या कहते हैं लिखे कापियों के ऊपर, और एक को कहते हैं मानवी अमल। मानवी अमल तो ये उरूफे मुशबा बिल फेल या इनमें से हर एक वो लफ्जी अमल भी करता है और मानवी अमल भी करता है। लफ्जी अमल भी करता है और मानवी अमल भी करता है। जैसे आप देखें कि तालिबा मुज्तहिदुन में लफ्जी अमल तो ये हुआ कि अब मुब्तदा मंसूब हो गया है और खबर जो है वो मरफू है, लेकिन उसकी वजह तब्दील हो गई है। पहले वो और वजह से मरफू थी, अब वो और वजह से मरफू है। और मानवी अमल भी ये करते हैं। मानवी अमल क्या होता है कि पहले था तारबिलम मेहनती है, लेकिन अब बात में मजीद ताकीद पैदा हो गई है कि बेशक तालबिलम मेहनती है या यकीनन तालबिलम क्या है, मेहनती है। तो इन्ना और अन्ना जो है ये बात में ताकीद पैदा करते हैं। इसके बाद इन्होंने दीगर मिसालें दी हुई हैं, वो आप नीचे देख सकते हैं। इन्ना के बाद जो है वो आगे अन्ना की मिसाल है। अलिम तु अन्न तालिब मुज्तहिदुन, अलिम तु मैंने जाना अन्न तालिबा के बेशक तालिब इलम जो है मुज्तहिदुन वो मेहनती है। मैंने जाना कि तालिब इलम क्या है, मेहनती है। मैंने जाना यकीनन तालिब इलम मेहनती है या तालिब इलम के का मेहनती होना मैंने जाना। ना जो है ये भी बात के अंदर ताकीद पैदा करता है। और एक बात इन्ना और अन्ना के बारे में एक फर्क समझ लें, जब भी जुमले के शुरू में आएगा तो इन्ना होगा, जब भी जुमले के
जैसे आप देखें इन अल्लाह लतीफ़ुन खबीर ऊपर जुमला लिखा हुआ है, तो इन अल्लाह लतीफ़ुन खबीर, या अब ये जुमले के शुरू में है इन्ना, ये इन्ना क्या है जुमले के शुरू में है। और अलिम तु अन्ना, अब अन्ना जो है ये जुमले के दरमियान में है, शुरू में नहीं है, जुमला पहले शुरू हो चुका है, दरमियान में कहीं भी जब आएगा तो तब अन्ना पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे अन्ना पढ़ेंगे। अलिम तु अन्ना तालिबा मुजतहिदुन, तो इसके बाद कान्ना है, कान्ना का माना होता है गोया के, गोया के, ये तशबीह देने के लिए आता है, किसके लिए आता है तशबीह, तशबीह में क्या होता है कि एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार दिया जाता है, जैसे कान्नल मुअल्लिमा अबुन, गोया के उस्ताद बाप है, गोया के उस्ताद क्या है, तो यहाँ पर उस्ताद को तशबीह दी गई किसके साथ है, बाप के साथ। तो तशबीह में एक होता है मुशब्बा, क्या होता है मुशब्बा, लिखे मुशब्बा, और एक होता है मुशब्बा बिही, एक क्या होता है मुशब्बा, मुशब्बा जिसको तशबीह दी जाए, और मुशब्बा बिही जिसके साथ तशबीह दी जाए। मुशब्बा, मुशब्बा यहाँ पे क्या है बाप, मुशब्बा यहाँ पे क्या है, नहीं नहीं बाप नहीं, मुशब्बा यहाँ पे है मुअल्लिम, मुशब्बा क्या है अच्छा मुअल्लिम, मुअल्लिम को तशबीह दी गई है, मुअल्लिम को, बोले जोर से, मुअल्लिम को तशबीह दी गई है, और किसके साथ दी गई है बाप के साथ। तो लफ्ज़ अबुन क्या होगा मुशब्बा बेही, लफ्ज़ अबुन क्या होगा मुशब्बा बेही। तो इसके बाद आगे है लईता, लईता जो है ये तमन्ना के माना देता है, लईता जो है ये किसके माना देता है, तमन्ना के, ख्वाहिश के। और आप देखें कि इन्होंने लईता की दो मिसालें दी हैं, लईतल कमारा तालियुन, काश के चांद तलू हो जाए, और दूसरी है लईत शबाब आयदुन, काश के जवानी लौट आए। अब ये जो तमन्ना है, ये तमन्ना दो तरह की चीजों की होती है, तमन्ना कितनी तरह की चीजों की होती है, दो तरह की चीजों की तमन्ना होती है, एक तमन्ना होती है ऐसी चीज की कि जो मुमकिन हो, ऐसी चीज की जो क्या हो मुमकिन हो, जैसे लई तल कमारा तालियुन, काश के चांद जो है वो तलू हो जाए, तो ये मुमकिन है, अभी बादल हैं चांद नजर नहीं आ रहा, ऐन मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद चांद जो है वो निकल आए, या अभी चांद नहीं नजर आया और ऐन मुमकिन है कल नजर आ जाए, यानी चांद का तुलू होना ये मुमकिन है, इस पे थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन तुलू हो जाएगा, लेकिन लई तशबाब आयदुन, काश के जवानी लौट आए। अब ये वो तमन्ना है और वो ख्वाहिश है के जिसका पूरा होना मुमकिन नहीं। Recording in progress. इसके बाद आप आगे देखें ला किन्ना, ला किन्ना जो है ये इसको कहते हैं इस्तिदराक के लिए आता है, किसके लिए आता है, इस्तिदराक का क्या माना होता है, पहले इस्तिदराक लिख लें, हमजा सीन ता फिर आगे दाल, इस्तिद आगे रा और आगे फिर अलिफ और फिर आगे काफ, इस्तिदराक, इस्तिद अमूमन आप कहते हैं मुझे इस बात का इस्तिदराक हो चुका है, तो इस्तिदराक का मतलब जो होता है वो ये होता है कि माकबल बात से,
माकबल माकबल बात से, माकबल कलाम से जो वहम पैदा हो रहा है, जो गुमान में आ रहा है, तो ये लाकिन्ना उसको दूर कर देता है। जैसे आप देखें, अल मुदीरु गाइबुन लाकिन नाइबा हाजिरुन, मुदीर जो है वो गायब है लेकिन नायब जो है वो क्या है, हाजिर है। नायब जो है वो क्या है, अमूमन जब मुदीर किसी दौरे पर, या का मुदीर का मतलब होता है किसी भी काम को चलाने वाला, किसी भी काम को, इदारे को चलाने वाला उसे भी मुदीर कह देते हैं, फैक्ट्री को चलाने वाला उसे भी क्या कह देते हैं, कोई भी किसी इदारे को चलाने वाला उसे मुदीर कहते हैं। तो अमूमन जब मुदीर किसी राउंड पे हो तो नायब उसका उसके साथ होता है। तो उसने कहा कि मुदीर गायब है, तो जेन में ये गुमान आया कि जो नायब है वो भी क्या होगा, गायब होगा, वो भी क्या होगा। तो उसने उस वहम को दूर किया, उसने कहा नहीं, लेकिन जो नायब है वो क्या है, हाजिर है, वो मौजूद है, वो क्या है, मौजूद है। उसके बाद है आगे लाला, लाल हर्रा कलीलुन। लाला जो है ये उम्मीद के लिए आता है, लाला किसके लिए आता है, उम्मीद। इसे लईता को कहते हैं कि ये तमन्ना के लिए आता है, तमन्ना, तमन्ना से तमन्नी, तमन्ना से क्या, यानी ये तमन्नी के माने देता है, तमन्ना के माने। लाला उम्मीद, उम्मीद जो है ना इसको अरबी में कहते हैं रिजा, क्या कहते हैं, रे जी मलिक जा और आगे हमजा, रिजा उम्मीद। तो रिजा से ही है तरज्जी, रिजा से ही क्या है, तरज्जी। तो तरज्जी कहते हैं कि लाला जो है ये तरज्जी के लिए आता है, तेरे और आगे जीम और ये तरज्जी, किसी चीज की उम्मीद। जैसे लाल हर्रा कलील, उम्मीद है कि गर्मी कम हो, उम्मीद है कि गर्मी क्या हो जाए, कम हो जाए। आखिर में लिखते हैं, आगाज़े कलाम में हो तो हमेशा इन्ना पढ़ते हैं, जैसे इन्न तालिब मुजतहिदुन, और दरमियान में आए तो अमूमन अन्ना पढ़ते हैं, जैसे बाला गानी अन्ना सईदन हाजे रुन। उसके बाद आगे हैं सवालात व तदरीबात। ये आपने सवालात वगैरह हल कर लेने हैं, और अभी मैं आपको टाइम दूंगा आखिर में, आपने मशक में से कोई चीज अगर आपको नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, कल मैं मशक आपकी सुनूंगा। अभी सरफ की किताब निकालें तो सरफ में हमने पढ़ा था अमर के बारे में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अमर के सिर्फ जो मुखातिब के 6 सीगे हैं सिर्फ वो आते हैं, जो मुखातिब के 6 सीगे हैं सिर्फ वो आते हैं, गायब और मुतकल्लिम के सीगे नहीं आते। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि फिर गायब या मुतकल्लिम के सीगे जो हैं उनका माना हासिल करने के लिए हम मुजारे को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, मुजारे को। मुजारे के शुरू में लामे अमर लगा दिया जाता है, मुजारे के शुरू में लामे अमर है, और लामे अमर लगाकर मुजारे से अमर वाले जो माने हैं वो हासिल कर लिए जाते हैं, वो हासिल कर लिए जाते हैं। तो मुजारे के शुरू में जब लाम आएगा तो
ये जो लाम होता है, आपने जो हरूफ जाजिमा थे उनमें पढ़ा होगा, लम लम्मा लामे अमर, लामे अमर लाए नहीं और इन शर्तिया, तो ये वही लामे अमर है, ये वही क्या है, लामे अमर है। अच्छा, ये जो लामे अमर है, जब ये मुजारे के शुरू में आता है तो ये क्या करता है, ये जज़्म देता है, ये क्या करता है। शायद मैंने लम के बारे में आपको बताया था कि मुजारे के तीन ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप पांच सीगों का, जिनके शुरू में पेश आती है, जिनके शुरू में क्या आती है, जैसे यन सुरु, तन सुरु, तन सुरु, अन सुरु और नन सुरु। तो यन सुरु, तन सुरु, तन सुरु, अन सुरु और, तो जब लाम इन, इन पांच सीओ के शुरू में आता है तो आखिर से पेश गिर जाती है और आखिर में जज्म आ जाता है। आखिर में क्या आ जाता है, जैसे लियानसुर, लितानसुर, लितानसुर, लियानसुर, ली नानसुर, और वो सात सीगे जिनके आखिर में नूने इराबी होता है, और मैंने बताया हुआ है कि वो सात सीगे कौन से होते हैं, तो उनके आखिर से नूने इराबी क्या हो जाता है, गिर जाता है। नूने इराबी क्या हो जाता है, अब आप किरदान को देखें तो आप देखेंगे लियांसुर, लियांसुरा, लियांसुरु, तो आप देखें लियांसुर के आखिर से पेश गिर गई और यांसुरा और यांसुरु इनके आखिर से नून गिर गया, इनके आखिर से क्या गिर गया। तो ये लाम जो है जब ये मुजारे पर दाखिल होता है तो फिर ये अपना अमल भी करता है, फिर ये अपना अमल भी करता है। मजीद इसकी कुछ डिटेल तफसील में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझसे ज्यादा बात नहीं हो रही, तो इसलिए मैं जो है वो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये पांच सीगे, और आपको कल याद होने चाहिए कि वो कौन से पांच सीगे हैं जिनके आखिर में पेश आता है। मैंने बताया हुआ है वाहिद मुजक्कर गायब, और वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुजक्कर मुखातब, और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इनके आखिर में क्या आता है, पेश आता है, इनके आखिर में क्या आता है, पेश आता है। और फिर इसी तरह जो है सात सीगे जिनके आखिर में नूने इराबी आता है, वो सात सीगे कौन से थे, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वो सात सीगे कौन से सीगे हैं, वो सात सीगे कौन से सीगे हैं। मैंने बताया था कि चार तस्निया के और दो जमा मुजक्कर गायब के और एक वाहिद मुनासा मुखातब का, तो ये सात सीगों के आखिर से नूने इराबी गिर जाता है, और जो दो जमा मोनस के नून होते हैं वो अपनी जगह बाकी रहते हैं। वो नहीं गिरते, वो गिरते हैं। और ये जो लामे अमर होता है इसके नीचे हमेशा जेर होती है, लाम जेर ली, लाम जेर है। देखें ये फायदा लिखा हुआ है, ला अमर हाजर मारूफ, लाम के बगैर, जबकि अमर के बाकी अकसाम लाम मकसूर के साथ आती हैं। इसके बाद आगे इसम की अकसाम शुरू हो जाती हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ाई हुई है, इसम फाइल भी हम पढ़ चुके, इसम मफूल भी पढ़ चुके, आगे इसम तफजील भी हम पढ़ चुके, फिर आगे क्या था,
इसम जरफ है, ये भी हम पढ़ चुके। फिर आगे इसम आला है, ये भी हम पढ़ चुके। फिर जो है वो क्या है, तशक साम सुला, ये भी हमने पढ़ लिया ना, सुलासी मुजरद, सुलासी मजीद फिर रुबाई मुजरद, रुबाई मजीद फिर और खुमासी मुजरद और खुमासी मजीद फिर। अब ये सुलासी मुजरद के 6 बाब हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं कि 6 बाब आते हैं। नासर यंसुरु, फाला यफूलु, फाला यफीलु, फाइला यफालु, फाला यफालु, फाउला यफूलु और फाइला यफीलु। इसके बाद इनकी मजीद कुछ तफसील है कि इनकी ये गिरदाने आती हैं उनके बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद जो है वो सुलासी मजीद फी के जो अबवाब हैं उनके बारे में। फिर आगे हफ्त अकसाम शुरू हो गई थी और हफ्त अकसाम के बाद अब ये आगे कुछ कवायद हैं। तो ये जो कवायद हैं ये इंशाल्लाह कल मैं आपको कुछ कायदे पढ़ाऊंगा। तो अब आप इकरा खोलें। अच्छा इकरा में पहला सबक है, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। इन साल तुम अन इलाही, इन अगर साल तुम सवाल करो अन इलाही मेरे इलाह के बारे में, फहुवा रहमानुन रहीम, तो वो रहमान है और रहीम है। औ या साल तुम सवाल करो अन नबी, मेरे नबी के बारे में, फहुवा इंसानुन अजीम, तो वो अजीम इंसान थे। औ साल तुम या तुम सवाल करो अन किताब ही, मेरी किताब के बारे में, फहुआ कुरान उन करीम, तो वो क्या है, कुराने करीम है। औ साल तुम अन अदुवी, या तुम सवाल करो मेरे दुश्मन के बारे में, फहुआ शैतान उन रजीम, तो वो क्या है, शैतान मरदूद है। इसके बाद आगे तमरीन है, कहते हैं अजीबातिलातियात मुशाफातन व किताबातन, लिख कर और बोल कर सवालों के जवाब दें, मन रब्बू का तेरा रब कौन है, तो आप कहेंगे अल्लाहु रब्बी। हल हुआ रहीमुन, क्या वो रहीम है, नाम हुआ रहीमुन। मन इलाहु का, तेरा इलाह कौन है, अल्लाहु इलाही। मन नबीयु का, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी। हल हुआ रहमान, नाम। आगे ये मुख्तलिफ इसी तरह के सवालात लिखे हुए हैं, आगे अरबी उर्दू लिखी हुई है और आपने इसकी अरबी बनानी है। मैं मुसलमान हूँ, अना मुस्लिम हूँ, अना मेरा परवरदिगार अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, रब्बी मैं अल्लाह से मोहब्बत रखता हूँ, मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ, उहिब्बुल्लाह सुबहानहू व तआला। इसी तरह ये बाकी उर्दू के जुमले हैं, इनकी आपने क्या बनानी है, अरबी बनानी है। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। हमारा आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है।